यहाँ बुलाने का और बिठाने का मकसद सिर्फ इतना है कि तुझे बता सकूं कि अंडरवर्ल्ड का डॉन मैं हूं। मैं तुम्हें पता नहीं अंडरवर्ल्ड का डॉन मैं हूं। मैं मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लो, सब जानते हैं मैं क्या चीज हूँ और तुम क्या चीज हो। डॉन तो नहीं बल्कि डाउन हो सकता है। तुमने अभी मेरी हिस्ट्री नहीं पढ़ी दादा। अगर रोग है जो मैं अपने ऊपर तो आजा मैदान में। मैं तो कहता हूँ कि तुम वोटिंग करवा कर देख लो। ठीक है, जो तुम बोलते हैं वोटिंग करवा लेते हैं। कौन पता चल जाएगा कौन भारी है। भारी आजा, भारी से दूर है। आजा आजा, चलो हम भी आजा, चल आगे चल आगे चल। हम भी देखते हैं बेटा तू कितने पानी में है। अरे वही तो देखने के लिए बुला रहा हूं। कुछ नहीं कर सकता। क्या एक दूसरे को धमकियां दे रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? क्या बात है? कुछ हमें भी तो बताओ। चुप चुप क्या बोल रहे? बताओ हमें क्या बात है। डॉन डॉन की आवाज सुन रहा हूँ मैं। डॉन बनने का इरादा है क्या तुम लोगों का? सर आपके सामने कौन डॉन बनता है? कौन डॉन बताओ? तुम डॉन है या तुम डॉन है? कौन डॉन? अभी डॉन जैसी खसलत तुम्हें है नहीं और तुम डॉन बनने चले। डॉन बनने चला है एक दूसरे को पर चढ़ने की कोशिश कर। डॉन है डॉन। डॉन समझते हो किसको कहते हैं? डॉन हर लिहाज से बहादुर होता है, चालबाज होता है, बहुत जहनी काम करता है, पता नहीं कितने लोगों को अपने हाथों में रखता है, पता नहीं कितने लोगों को वो अपने हाथों में रखकर उनको इस्तेमाल करता है और वो उसके सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह रहते हैं। बड़े बड़े लोग उसके पीछे पड़ते हैं, खतरनाक लोग, लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतनी चालबाजी से, इतनी अकलमंदी से वो निकल जाता है उनके चुंगल से, तो उसको कहते हैं डॉन। ये डॉन थोड़ी कि तुम मेरे सामने अकड़ गए, मैं तुम्हारे सामने अकड़ गया, थप्पड़ मार दिया उसको, थप्पड़ मार दिया, इसका खा लिया उसका खा लिया, डॉन बन गए। डॉन खाता है ना तो खिलाता भी है। डॉन बेईमान नहीं होता है, डॉन अपने काम से ईमानदारी करता है। ये डॉन है वही नहीं होता है, ईमानदारी से काम करता है, किसी का नाजायज दिल नहीं दुखाता, किसी को नाजायज लूटता नहीं है। वो गरीब को दे देगा लेकिन उन लोगों को लूटता है जो गरीबों को लूटते हैं, खून चूसते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसको कहते हैं डॉन। डॉन की बात ही अलग है। अगर वो मुजरिम ना हो ना, जुर्म ना करे तो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन फिर भी वो अपने जुर्म के साथ उन लोगों का भला सोचता है जो उसके मातहत होते हैं या गरीब होते हैं, उनका ख्याल करता है। लेकिन तुम लोग एक दूसरे को डॉन बनने की कोशिश कर रहे हो, ये क्या है? ये इसको पहनकर क्या करना चाहते हो? इसको पहनकर तुम डॉन बनने की कोशिश? डॉन को कोई लिबास की जरूरत नहीं होती, उसका अपना लिबास होता है, बस इंसानियत उसमें होती है। इंसानियत सबसे बड़ी बात है। जुर्म करना बुरी बात है, लेकिन उस जुर्म करने से किसी को फायदा पहुंचाओ तो एक अलग बात है, लेकिन मैं उसको फायदा उस लिहाज से नहीं कहूंगा कि वो सही कर रहा है। मुजरिम मुजरिम होता है, लेकिन मतलब कहने का यह है कि तुम लोग डॉन बनने की कोशिश कर रहे हो जबकि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। तुम तो एक दूसरे से लड़ते हो, एक दूसरे को नोचते हो, एक दूसरे को खाते हो, गरीबों का हक मारते हो, करप्शन करते हो। अगर तुम्हें कुछ काम हम सौंपते हैं तुम उस काम को दरगुजर कर देते हो, हमारी इज्जत का ख्याल नहीं करते, तो तुम कहाँ से आए डॉन? तुम डॉन की परछाई नहीं। मेरा मतलब आज कहने का ये है कि मुझे फिर वहां से जवाब आया है कि आपने हमारा काम अभी तक नहीं किया। अब आप मुझे खुलकर बताएं कि मैं आप लोगों के साथ क्या करूं।
अगर आज आपने मुझे मुतमईन कर दिया तो ठीक है, वरना आज के बाद तुम ना यहाँ मेरे पास नहीं आना, मुझे जवाब देना पड़ता है। मैंने काम दिया आप लोगों को, कोई काम आज तक हुआ? समझ में नहीं आता कि मेरे काम को डिले क्यों करते हैं आप लोग, क्यों तंग करते हैं मुझे। एहसास होना चाहिए यार, मैं भी तो तुम्हारा ख्याल करता हूं, तो आप लोगों को मेरा एहसास जरा भी नहीं है कि मेरी कहां बेइज्जती हो रही है, कहां इज्जत हो रही है। मैं अब तुम लोगों का सब नहीं चाहता बिल्कुल, बहुत देख लिया मैंने तुम लोगों को, बहुत मान कर लिया मैंने, लेकिन तुम मुझे नुकसान पे नुकसान पहुंचा रहे हो। अभी तक वो पानी खुश्क नहीं हुआ है, वो मशीनरी वहीं पड़ी हुई है, सड़ रही है, जल रही है, जंग लग रहा है उनको, और तुम लोग मुझे तकलीफ दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो मुझे। मुझे तकलीफ उसी वक्त होती है जब तुम लोग देते हो, मैं अपनी तकलीफों को भूल जाता हूँ, अपनी तकलीफों को भूल जाता हूँ। जो चोट मुझे मिलती है मेरे अपने काम से वो अलग होती है, लेकिन तुम लोगों के रवैये से मुझे जब चोट मिलती है तकलीफ होती है। क्यों करते हो तुम लोग मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ क्या बुरा करता हूँ, क्या बुरा करता हूँ तुम्हारे साथ, मैं भला करता हूँ, अच्छा करता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारा कोई ऐसा काम बताओ जो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया हो, नुकसान पहुंचाया हो, तुम्हें तकलीफ पहुंचाई हो। तुम लोग मेरे इतना भी साथ नहीं दे सकते? अरे जब मैं तुम्हारा हाथ में हाथ पकड़ के कहता हूँ कि बताओ क्या कोई काम है मुझे बताओ, लेकिन तुमने आज तक मेरे हाथ को नहीं पकड़ा, मुझे नहीं समझे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मोहब्बत से, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत को दरगुजर करते हो, मुझे तकलीफ पहुंचाते हो। कितना दुख होता है मुझे कि जब मैं तुम्हें समझाता हूँ अपना समझ के, तो तुम मेरी बात को तस्लीम नहीं करते। अभी परसों मुझे जवाब मिला है कि तुमने हमारा काम अभी तक नहीं किया। मैं किसको कहूं, अपनी बेइज्जती का बदला मैं किससे लूं? क्या तुम वो काम दो दिन में, क्या चार दिन में नहीं कर सकते? अभी तक वो काम नहीं हुआ है, मुझे झटके मिल रहे हैं, जोर मिल रहा है, ताकत मिल रही है, बुराइयां मिल रही है, और मैं तुम्हारी मोहब्बत में अंधा हो रहा हूं, रो रहा हूं। क्या बात है यार, क्यों करते हो मेरे साथ? जब मैं तुम्हारे लिए कोई बुरा नहीं सोचता ना करता हूं, तो तुम लोग क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा कुछ? मुझे बताओ मैं तुम्हें क्या तकलीफ देता हूं, क्या तकलीफ देता हूं मैं तुमको, क्या नुकसान करता हूं मैं तुम्हारा? हर फायदे के तुम्हारा सोचता हूं, हर फायदा तुम्हारे लिए सोचता हूं, कि जो कुछ है अपने दोस्तों को, दोस्त मेरे बच्चों की तरह हो तुम लोग। बेशक मैं तुम्हारे बराबर हूं, तुम्हारे साथ खेला हूं कूदा हूं, लेकिन तुम्हें अपना बच्चा समझता हूं, बच्चों की तरह डील करता हूं। लेकिन तुम मुझे बड़ा तो क्या, एक भाई तो क्या, एक दोस्त तो क्या, मुझे एक आम आदमी भी नहीं समझते। अरे मैं तुम्हारे पीछे के डंडे लेके चलूं कि मेरा काम करो, काम करो, तुम लोग नहीं बात। अरे भाई, इन्होंने तो मस्ताने की दौलत की अपने कब्जे में कर ली और ग्राउंड की भी, तो मैं, मेरा हिस्सा किधर है यहाँ पर? हाँ ये बात तो है कि हमारा हिस्सा किधर है, हम भी तो अपने हिस्से के लिए बैठे हुए हैं। हाँ अच्छा, इधर सबके हिस्से बन रहे हैं, अल्लाह खैर करे, ये कितने हिस्से होंगे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ? हाँ अल्लाह खैर करे कुछ। ये वाह वाह वाह, क्या बात है, ये लोग ट्रस्ट चला रहे हैं। ट्रस्ट भी इस तरह चलाते हैं कि स्पेशल बच्चों के अमाउंट अपनी जेबों में भरते हैं। वाह, ये है हमारे पाकिस्तान का हाल। स्पेशल बच्चे, स्पेशल चिल्ड्रन जो है वो मोहताज होते हैं, गरीब मोहताज बच्चों के। अगर तुम लोग पैसे मारो, स्पेशल बच्चों का क्या करेगा पैसों का भाई? तू ये तो बता दे पहले मुझे, उनका
उनका भी हक है, वो भी अपना हक रखते हैं। उनके लिए अगर कोई फंड देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन लोग पर काबिल हो जाओ। नहीं भाई, बात सुन, जो बात तुम करे बिल्कुल गलत हो, तुम गलत हो। तुम सब की वारंट गिरफ्तारी है। हमारी? हमारी क्यों? वारंट की? तुम लोगों की। बाहर अरे भाई पुलिस आई हुई है, तुम लोग पकड़ने के लिए पुलिस आ चुकी है। ने किया क्या है? किया क्या हमने भाई? ये ना अभी पुलिस यहाँ पे, ये तो अभी आप लोगों का बाद में पता चलेगा। अभी सिर्फ बड़े साहब निकल आए, फिर हम देखते हैं कि क्या फैसला होता है। हाँ देख लेंगे। अरे भाई देखिए, आज आइए, आज साहब आने दो, साहब बड़े साहब को आने दो, फिर उसके बाद जो भी होगा। आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। इंस्पेक्टर, जो तुम वारंट गिरफ्तारी लेकर आए हो इन सब की, तो क्या तुमने मुझसे पूछा ही? हाँ सर, वो क्या करूँ, अब इन्होंने काम ही ऐसे किए। ठीक है, तो कम से कम तुम्हें मुझ पर एतमाद करना चाहिए, मुझे एतमाद में लेना चाहिए, मुझे बताना चाहिए सारी बात को। दुआ करते। हाँ बोलो, ऐसे तो नहीं होता ना इंस्पेक्टर, मैं जब तुम पर एतमाद करता हूँ तो तुम बगैर कहे बगैर मुझसे पूछे वो सब काम करोगे, और मेरे ही घर में। जब मैं तुम्हें अपनी इतनी इज्जत करता हूँ, तुम्हारी इज्जत देता हूँ तुम्हें और तुम्हारा ख्याल करता हूँ, तो तुम्हें भी तो मुझे पहले बताना चाहिए कि साहब ये ऐसी ऐसी बात है, ये लोग शामिल हैं और ये कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें क्या मना कर देता? मैं कानून से नहीं लड़ सकता, मैं कानून को हाथ में लेता हूँ, कानून का साथ देता हूँ। जो कानून के खिलाफ बात करेगा उसको मैं पकड़वाऊंगा। तुम नहीं पकड़ के लेगा यहाँ से कई लोगों को, मैंने तुमको नहीं पकड़वाया। आज जिन जिन लोगों ने जो कुछ किया है तुम मुझे बताते पहले, हो सकता है उसका कोई दूसरा हल भी निकाल सकते थे। तो मुझे देखो, ये शब्बीर बैठा है, ये इतने लोग बैठे हैं, ये बैठी है खातून बैठी, इन सब ने क्या मुझे डस नहीं पहुंचाया, मुझे तकलीफ नहीं दी, मेरे काम को नुकसान नहीं पहुंचाया? मैं चलता हूँ, मुझे गिरफ्तारियां नहीं चाहिए। नहीं ऐसा मत कहो, गिरफ्तारी तुम्हारी अपनी जगह है। चलो इसको तो मैं ले जाऊंगा, क्योंकि ये इनको नहीं मेरी तरफ से इजाजत है। ये चलो मुजरिम मैं आपको ले जाऊंगा, जो मुजरिम है जिन्होंने जुर्म किया है मैं उसको खुद पकड़वाऊंगा, और तुमसे मुझे बता दिया करो कि हुआ है, मेरी तरफ से इजाजत है। ये मेरी बेगम, मेरी बीवी, मेरे शाना बशाना रहकर मेरे साथ काम करती, मेरे हर काम में हाथ बटाती है, हर दुख सुख में मेरा साथ देती है, और मुझे सही गाइड मिलती है तो मेरी बेगम से मिलती है। मैं इस पर जितना फख्र करूं कम है, जितना नाज करूं कम है। एक अच्छी बीवी अगर शौहर को मिल जाए तो शौहर कितने बिगड़ा हुआ क्यों ना हो वो संवर जाता है, और उसके काम में हर काम में आसानी होती है और बरकत मिलती है। मुझे इसकी तरफ से बहुत सुकून है, प्यारे प्यारे बच्चे इससे मिले, इसकी हर बात मुझे गाइड करती है, एक एक चीज मुझे गाइड करती है, मुझे समझाती है आप लोगों के बारे में। कभी कभी मैं आप लोगों पर गर्म हो जाता हूँ तो मैं गुस्सा आता है तो मुझे कहती नहीं, ये हमारे अपने हैं, आज गलत कर रहे हैं तो कल अच्छा करेंगे। ये मेरी बेगम समझाती, और ये ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो नुकसान पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं लोग, कानून को हाथ में लेते हैं। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, चाहे मेरे कितने अच्छे क्यों करीब दोस्त क्यों ना हो, मैंने खुद पकड़वाया ऐसे लोगों को, लेकिन छुड़वाया भी है मैंने, इसलिए कि मेरे अपने हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे काम मत करो जो तुम्हारे लिए बेइज्जती का बायस बने और हमारे मुल्क के लिए नुकसान बने। कानून को हाथ में मत, काम करो ईमानदारी से, जब मैं काम तुम्हें देता हूँ तो काम करो, काम है ना तुम्हारे पास। अरे डाकू तो वो करते हैं बनते हैं, डाकू तो वो बनते हैं जो कुछ उनके पास काम नहीं होता है, या उनके रात में रुकावट होती है, चोरी वो करते हैं जिनके पास काम नहीं होता है, बेचारे परेशान हाल में। तुम्हारे पास सब है, मैं काम देता हूँ तुमको, तुम्हारा ख्याल करता हूँ, और मैंने इंस्पेक्टर को कह रखा है। चलो आप भी चले, चले आप भी जाए। इंस्पेक्टर ने मुझे सबके लिए बता दिया था कि कौन कौन कानून ग्राउंड के बड़े पैसे का, ये मेरी तरफ से इजाजत है कि जो कानून को हाथ में लेगा नुकसान पहुंचाएगा मेरे वतन को,
मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं खुद कहता हूँ उसको ले जाओ। और मुझे पता था कि कौन कौन है। ठीक है, मुझे इंस्पेक्टर नहीं बताया, लेकिन मुझे पता था। और वो मुझे बताता अभी उसने अचानक इसलिए नहीं बताया कि सब लोग भाग जाते, इसलिए वो अचानक आया है। और रात ही उससे मेरी बात को मान रखते हुए कहा कि ठीक है, मैं किसी को नहीं पकड़ा। मैंने इसलिए एतराज़ नहीं किया था कि कानून को हाथ मिलो और मर को छोड़वा दूंगा। कानून कानून है, जो कानून की पासदारी करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा। अब तो कानून को हाथ में लेते क्यों? कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं, काम करो। आज कम है, कल ज्यादा है, फिर हालात बेहतर हो जाएंगे। कानून में हाथ मिलोगे तो नुकसान दे रहोगे, जुर्म करोगे और एक से एक बढ़कर जुर्म करोगे, फिर आगे जाके डाकू बन जाओगे। ऐसे हमारे मुल्क में कम करप्शन हो रही है, कम डाकू हैं जो हमारे पर मुसलत भी हैं और मुल्क को भी लूट रहे हैं और हमें भी खा रहे हैं। महंगाई के लिहाज से खा रहे हैं, बिल के लिहाज से खा रहे हैं। बिल इतने लोगों के विचारों पर आ रहे हैं कि वो खौफ से बिल बिला रहे हैं। 2,000-3,000 का बिल आने वाला 14,000 का बिल दे रहा है। गैस का बिल 200-250-300 आता था, आज 1,800-1,900 आ रहा है। और उसको भरना है। तौबा अस्तगफार, कितना लूटेंगे ये लोग, कितना पीसेंगे आवाम को। मुझे बहुत तकलीफ होती है, काश मेरा बस चलता। खैर, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमें बहरहाल सब्र करना है, दरगुजर करना है। हमें अपने वतन के लिए सब कुछ करना है। अगर वतन के लिए हमारी ये भी कुर्बानी चाहिए कि महंगाई की शक्ल में देंगे, क्या किया जाए। मेरा वतन है।